ये पिछली सरकार में इस मस्जिद के लिए फंडिंग जो है वो भाजपा सरकार ने करी है, स्पष्ट बोलना चाहूँगा। सुनने में ऐसा आया है कि जयराम ठाकुर जी ने जो है करीबन 12 लाख रुपए जो है इस अवैध बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 लाख रुपए भी दिए। देखिए इसमें मैं समझता हूँ आज ये चिट्ठी जो है दी है, मैं अभी आपको भी दूंगा। ये मैं समझता हूँ कानून के दायरे में रह के जो भी कानून बोलता है उसके तहत जो जल्दी फैसला दिया जाए, इमीडिएटली एक्शन हो जाए। बिल्कुल, उन्होंने तो अपने स्वेच्छा से दे दिया है, स्वेच्छा से उन्होंने कहा है कि आप जब भी आप सील कर सकते हैं अथवा हमें परमिशन दीजिए हमारा गिराने की, तो इमीडिएटली इसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है आयुक्त देंगे, पहली बात। दूसरी में एक और बोलना चाहूँगा आपको, जैसे कि विक्रमादित्य जी ने बोला है कि भाजपा इसको भुनाना चाह रही है दूसरी स्टेट्स में, लोगों को भड़काने का काम कर रही है। मैं बोलना चाहूँगा कि पिछली सरकार में इस मस्जिद के लिए फंडिंग जो है वो भाजपा सरकार ने करी है, स्पष्ट बोलना चाहूँगा। उसका मैं हेड भी आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग हेड से मस्जिद के लिए जो स्कीम दी गई VKV 2019/774, ये इसका जो है डायरी नंबर जिसको बोलते हैं। देखिए प्लानिंग ये तो प्लानिंग हेड से गई है, तो बाकी आप आयुक्त से जो पूछ सकते हैं। इसमें करीबन 2 लाख रुपए की मेरे पास अभी जानकारी है, अभी फिलहाल 2019 में जो है ये दी गई, तो अभी फिलहाल है। लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि जयराम ठाकुर जी ने जो है करीबन 12 लाख रुपए जो है इस अवैध बिल्डिंग को बनाने के लिए 12 लाख रुपए भी दिए जी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में। गवर्नमेंट जेब से तो कोई नहीं देगा, उनके उनके वो सिर्फ हम लोग ही दे सकते हैं जेब से, उनमें उनमें